डीएफ स्टूडेंट आरसीआई एजुकेशन हब बांसू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, क्या होते हैं क्रियात्मक समूह, इसमें क्या होता है कि परमाणु या परमाणु का समूह जो कार्बनिक यौगिक की विशेष पहचान बनाए रखता है या उस कार्बनिक यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करता है क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। यानी कि परमाणु या परमाणु का समूह जो कार्बनिक यौगिक की विशेष पहचान बना दे या कार्बनिक यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान कर दे वही क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ से क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्रियात्मक समूह परमाणु या परमाणु का समूह जो कार्बनिक यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करता है, विशिष्ट गुण प्रदान करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है यानी क्या होता है, परमाणु या परमाणु का समूह जो कार्बनिक यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करता है या उस कार्बनिक यौगिक की विशेष पहचान बनाए रखता है क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समूह फंक्शनल। जैसे OH है, एल्कोहल है, C डबल बॉन्ड OOH है, ईथर है, C डबल बॉन्ड O एस्टर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड इत्यादि। यानी ये सभी क्या होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक के क्रियात्मक समूह होते हैं जो उस कार्बनिक यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, उसकी पहचान बनाए रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी क्रियात्मक समूह और उसके एग्जाम्पल्स उदाहरण जिसमें कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी आपके पास संतृप्त है, संतृप्त का मतलब क्या है, यहाँ पे एल के संतृप्त में किसकी बात कर रहा हूं मैं, नंबर वन पे एल के, एल के का क्रियात्मक समूह कोई नहीं होता है। एग्जांपल के रूप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH4 यानी कि मैथेन कह सकता हूँ, उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, मैथेन। ऐसे ही असंतृप्त असंतृप्त का मतलब क्या है, बहुबंध वाले असंतृप्त में एग्जांपल की बात कर रहे हैं एल्किन, एल्किन का क्रियात्मक समूह कोई नहीं होता है। उदाहरण की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 नाम होता है इसका एथिलीन, इसी में नेक्स्ट की बात कर रहे हैं एल्काइन, इसका कोई क्रियात्मक समूह नहीं होता है। एग्जांपल होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन, ऐसे ही नेक्स्ट में बात कर रहे हैं हैलोजन, हैलोजनों में एग्जांपल के तौर पे FCL BR I क्रियात्मक समूह के रूप में इनमें क्या हो जाएगा, F है, CL है, BR I हैलोजन समूह, जैसे CH3F मेथिल क्लोराइड बोल सकता है, मेथिल क्लोराइड CH3CH2Cl मेथिल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे फोर्थ में एल्कोहल है,
एल्कोहल का क्रियात्मक समूह यहाँ पे क्या होता है OH, जैसे एग्जांपल लिखा CH3OH, कह सकते हैं मेथिल एल। कीटोन है, कीटोन का क्रियात्मक समूह ये वाला होता है, एग्जांपल हो जाएगा यहाँ से CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं एसिड। यानी कि ये सभी क्या होते हैं, इस प्रकार से साइनाइड को लिख देंगे, आइसोसाइनाइड को लिख देंगे, एस्टर को लिख देंगे, एसिड हो सकता है। नेक्स्ट के रूप में मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात की, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका क्रियात्मक समूह होता है C डबल बॉन्ड OOH, इसको मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OOH, बोल सकता हूं इसको एसिटिक अम्ल। यानी कह सकते हैं कि परमाणु या परमाणु का समूह जो उस कार्बनिक यौगिक की विशेष पहचान बनाए रखता है या उसको विशिष्ट गुण प्रदान करता है, क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे यहाँ पे एसिड क्रियात्मक समूह है, कीटोन क्रियात्मक समूह है, हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह है, ये सभी क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं जो कार्बनिक यौगिक को विशेष महत्व देते हैं, उसकी पहचान बनाए रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी है।